हिमाचल प्रदेश की सात हमीरपुर जिला में साल 2020 में ग्राम पंचायतों की चयन प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है, जिसके तहत कुछ नई पंचायतें भी बनेंगी। इसी संदर्भ में टोनी देवी वार्ड नंबर 3 के अंतर्गत आने वाले गांव डुग्गा कला के ग्रामीणों ने डुग्गा गांव के किसी अन्य पंचायत में नाम मिलने हेतु उपायुक्त हमीरपुर से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है। हिमाचल प्रदेश के साथ हमीरपुर जिला में साल 2020 में ग्राम पंचायतों की चयन प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है, जिसके तहत कुछ नई पंचायतें भी बनेंगी। इसी संदर्भ में टोनी देवी वार्ड नंबर 3 के अंतर्गत आने वाले गांव डुग्गा कला के ग्रामीणों ने डुग्गा गांव को किसी अन्य पंचायत में न मिलाने हेतु उपायुक्त हमीरपुर से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि डुग्गा कला, जो कि वार्ड नंबर 3 के नाम से जाना जाता है और ग्राम पंचायत डुग्गा में आता है, उसे नई पंचायत में शामिल करने की सिफारिश आई है, जो कि ग्रामीणों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, जिसका विरोध जताने के लिए ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय पहुँच कर अपना विरोध जताया। गांववासी ठाकुर रतन सिंह का कहना है कि उनके गांव को किसी अन्य पंचायत में डाला जा रहा है, जबकि उनका डाकघर, प्राइमरी स्कूल पटवार घर, पशु चिकित्सालय व स्वास्थ्य केंद्र डुग्गा पंचायत के अधीन आते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पंचायत बदल दी जाती है तो उन्हें काफी परेशानी होगी और जरूरी कामकाज निपटाने के लिए दूसरी जगह भटकना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर गांववासियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है, उनके गांव को ग्राम पंचायत डुग्गा से निकालकर दूसरी पंचायत में ना डाला जाए। मेरा नाम ठाकुर रतन सिंह, गांव डुग्गा कला। हम पंचायत के डिवाइडेशन के बारे में आए हुए हैं। हमारा जो है राजेश्वर कोर्ट वगैरह जो है सारा डुग्गा और डुग्गा पोस्ट ऑफिस, डुग्गा कलाओं और डुग्गा जो है तो शुरू से है। हम हमारा जो है बरोहा पंचायत में डाल रहे हैं, तो हम जो है बरोहा पंचायत में नहीं जाने के इच्छुक हैं, क्योंकि हमें वहाँ जाने से जो है सभी प्रकार का जो है लॉस है। तो हमें जो है डुग्गा पंचायत में रखने के लिए हमने इंटीमेशन डीसी साहब को दिया है, इसके बारे में हम सब गांववासी जो हैं यहाँ पे एकत्र हुए हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।